मोदी जी कहते रहते हैं कि जीडीपी बढ़ रही है, फाइनेंस मिनिस्टर कहती है कि देखिए जीडीपी का प्रोजेक्शन ऊपर की ओर है। मैं समझ नहीं रहा हूं भाई, जीडीपी एक तरफ दौड़ रही है और फाइनेंस मिनिस्टर प्रधानमंत्री कहते हैं जीडीपी बढ़ रही है। फिर बात मुझे समझ आई, जीडीपी का मतलब क्या? गैस, डीजल, पेट्रोल, इनका ये कंफ्यूजन है। और मैं अब आपको गैस, डीजल, पेट्रोल के दाम और जीडीपी किस प्रकार से बढ़ रही है वो तो आज थोड़ा डायरेक्ट बताना चाहता हूं। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि डीजल, पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, याद है आपको? 2014 में 410 रुपीस सिलेंडर की प्राइस थी जब हमने यूपीए ने ऑफिस छोड़ा। आज 885 रुपीस सिलेंडर की प्राइस है, 116% इंक्रीज। पेट्रोल की प्राइस 71.5 रुपीस 2014 में, आज 101 रुपया, 42% प्राइस इंक्रीज। 57 रुपीस डीजल, 88 रुपीस आज, 55% इंक्रीज। अब मजेदार बात यह है कि कोई ये आर्ग्यूमेंट कर सकता है कि देखिए ये तो इंटरनेशनल रेट बढ़ा है, इंटरनेशनल मार्केट पे डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा होगा इसलिए हिंदुस्तान की जनता को चोट लग रही है, इसलिए ये पूरा मोनेटाइजेशन डीमोनेटाइजेशन का तमाशा चल रहा है। मगर अजीब सी बात यह है कि जब यूपीए की सरकार थी 2014 में तो 105 रुपीज कच्चे तेल का दाम था, आज 71 रुपीज है, 32% ज्यादा था हमारे टाइम। गैस इंटरनेशनल प्राइस देख लीजिए, हमारे टाइम 880, आज 653, 26% कम। तो इंटरनेशनल मार्केट पे गैस प्राइस, डीजल प्राइस, पेट्रोल प्राइस, ऑयल प्राइस गिर रहे हैं और हिंदुस्तान में बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे जो एसेट्स हैं उनको बेचा जा रहा है, 23 लाख करोड़ रुपए सरकार ने जीडीपी से कमाया है। जीडीपी वो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं, जीडीपी मतलब गैस, डीजल, पेट्रोल। मेरा सवाल है ये 23 लाख करोड़ रुपए गए कहां? और जनता को ये पूछना चाहिए कि आपके जेब में से जो पैसा निकाला जा रहा है, छीना जा रहा है, ये कहां जा रहा है? जो हिंदुस्तान के एसेट्स हैं, हमारी कंपनीज हैं, उनको बेचा जा रहा है, डिमोनेटाइजेशन किया जा रहा है, नोटबंदी की जा रही है, जीएसटी आपसे पैसा छीना जा रहा है, किसानों के 3 कानून बने हैं वहां से आपका पैसा छीना जा रहा है, तो ये जा कहां रहा है? आपके पास तो नहीं आ रहा, आपके जेब में तो नहीं जा रहा। तो हिंदुस्तान के युवाओं को, जनता को यह सवाल पूछना पड़ेगा कि यह जा कहां रहा है, किसको मिल रहा है यह सब पैसा? अब अंग्रेजी में बोल देता हूं, डू आई नीड टू से इट इन इंग्लिश हो कैन आई जस्ट यू लाइक मी टू से इट इन इंग्लिश डू वांट मी ब्रॉडली इन इंग्लिश हाँ ब्रॉडली द गवर्नमेंट हैज ए न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी। New concept is an increase in GDP means an increase in gas, diesel and petrol prices. Over the last 7 years, they've earned 23 lakh crores from an increase in diesel, petrol and gas. Every single person is affected by this. There are two effects. There's a direct effect and an indirect effect. The direct effect is when people buy fuel for their scooters, their cars, diesel for their trucks, an indirect effect is when the price of diesel, petrol rises, the price of everything rises because transport costs increase. So the country is bearing a massive cost as a result of this dramatic increase. I just go into the details. In 2004, when we left office,
गैस प्राइस वॉज 410 रुपीज सिलेंडर, टुडे इट इज 2014, द गैस प्राइस वॉज 410 रुपीज सिलेंडर, टुडे इट इज 885 रुपीज, 116% इंक्रीज. पेट्रोल वॉज 71, इट्स नाउ 101, 42% इंक्रीज. डीजल वॉज 57, नाउ इट इज 88, ए 55% इंक्रीज. एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज, पीपल कुड आर्ग्यू दैट prices are rising, diesel petrol prices are rising because international prices are rising, but that's not the case, because crude oil prices were $105 when we were in power and today they're $71. That's a decrease of 32%. Gas prices were $880 per metric ton, today they're $653. That's a 26% drop. So the interesting thing is there is demonetization taking place, where the farmers, laborers, small traders, MSMEs, contract workers, salaried class, honest industrialists are being hit. And on the other side, there is dramatic monetization taking place, where 3-5 big industrialists, friends of the Prime Minister, are being benefited.